एवरीवन, बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना। बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कॉम करते हैं, उसमें भी बहुत सारे हेयर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इस प्रॉब्लम को, आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि ये जब वेदर रेनी वेदर स्टार्ट होता है तो सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपके साथ बहुत ही ऑसम सा फॉर्मूला शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब भी कॉम करोगे आपके कॉम में एक भी हेयर नहीं आएगा, टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं और बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी, बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ यहाँ पर कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक टीस्पून रख लिया है मेजरमेंट के लिए। तो अब मैंने वन ये टीस्पून जो है ना कैस्टर ऑयल ले लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कलौंजी, यानी कि ब्लैक सीड ऑयल। कलौंजी का तेल बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल को रोकने के लिए और आपके बालों को नेचुरल तरीके से स्ट्रेंथ देने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ सेसम ऑयल यानी कि तिल का तेल ऐड कर रही हूँ, वही सेम क्वांटिटी ले रही हूँ मैं, वन टीस्पून। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है ये और काफ़ी अच्छा रहता है। इन सारे ऑयल्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा लूक वॉर्म कर लीजिएगा यूज़ करने से पहले। तो मैंने यहाँ पर लूक वॉर्म कर लिया है और इसको अप्लाई करना है आपने अपने बालों की जड़ों में, यानी कि स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। और जैसे आप ऑयलिंग करते हो नॉर्मली, बस वैसे ही करना है, बालों की जड़ों में अच्छे से लगाते जाइए पार्टीशन करके और मसाज करते जाइए। गाइज ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर मैंने सारे ऑयल्स जो लिए हैं ये केमिकल फ्री ऑयल्स हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सारे ऑयल्स के अंदर जो है ना ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे आपके एक तो बालों को नेचुरल तरीके से जड़ों से स्ट्रेंथ मिलेगी, बाल हेल्दी होंगे। जिन लोगों के बालों की ग्रोथ नहीं होती उनके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा और जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। तो आपने अपने बालों की जड़ों से लेके बालों की लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करना है और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर मिनिमम आपको एक या दो घंटे तो इसको अपने बालों में रखना ही है। उसके बाद आप किसी भी अपनी पसंद के शैम्पू के साथ जो है ना अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। वीक में दो बार ऐसा करने से आपको बहुत मन चाहा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज देखा ना कितना इजी सा फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कमेंट सेक्शन पर जरूर टाइप कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।